स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए हल्ला बोलने की तैयारी में हैं। इसके लिए आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सामूहिक अवकाश पर रहने की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दे दी है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। 15 दिन बाद NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि NHM संविदा आउटसोर्स कर्मचारी स्वास्थ्य संघ के अंतर्गत प्रदेश के 12,000 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी आते हैं, जो अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल की तैयारी में हैं। अगर इनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई सरकार ने नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आप कर्मचारियों की लगातार 2019 से 2024 हो गई, लगातार उनके साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की यही स्थिति मध्य प्रदेश के सभी जिलों की है। आज ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में सिविल सर्जन के जो अधीन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मात्र सफाई कर्मचारियों को मात्र 7,500 रुपये दिए जा रहा है। तो जिसको लेकर हमने जिलाधीश महोदय से भी शिकायत जाँच की मांग की है, शिकायत की है कि उच्च स्तर की जाँच कराई जाए, लेकिन अभी तक कोई जाँच नहीं कराई गई है। इसी तरह सिविल सर्जन महोदय द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे 3 आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से भी पृथक किया गया है। ना उनको कोई नोटिस जारी किया गया, ना कोई उस पर जांच कमेटी की करी गई, एक तरफा कार्रवाई करी की गई है जो बिल्कुल उचित नहीं है। सिविल सर्जन ग्वालियर हैं जो राजेश शर्मा जी, वो बहुत ही मतलब कही जाए कि वो कोई जिम्मेदारी का पूरा ना अपनाते हुए इस तरह का रवैया अपना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जिसको लेकर हम जल्द ही इस विषय को लेकर कलेक्टर महोदय से भी संज्ञान में लिया जाएगा। एक तरफ तो सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर लगातार संवेदनशील है, विधानसभा में भी आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा रखा गया है। दूसरी तरफ सिविल सर्जन द्वारा बिना कारण के आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। की तारीख में जो अर्धकुशल श्रमिक दर है 12,796 है, जो कि कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिसको लेकर कल मेरे द्वारा माननीय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से भी मुलाकात की गई थी। इस विषय को लेकर मैंने गंभीरता से उनके संज्ञान में भी लिया गया है। उनके द्वारा मुझे आश्वस्त भी किया गया है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 12,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 225 के लगभग आउटसोर्स कर्मचारी हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।